मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर सियासी संकट बना हुआ है और आधी रात कमलनाथ को राज्यपाल का निर्देश आया कि आपकी सरकार अल्पमत में है तो बहुमत साबित करें। उसके बाद से सियासी संकट और ज्यादा गहरा गया है। राज्यपाल के इस फरमान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है और हम इसे जीतने के लिए आश्वस्त हैं। हम नहीं, बीजेपी नर्वस है, बागी विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसके साथ ही हरीश रावत ने ये भी सवाल किया कि अगर बीजेपी फ्लोर टेस्ट जीतने के लिए आश्वस्त है तो वो अपने विधायकों को दूसरे शहरों में क्यों भेज रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम कमलनाथ को विधानसभा में बहुमत साबित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ राज्य में सियासी सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। लगभग आधी रात को राजभवन से एक पत्र राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ को भेजा गया। राजभवन से सीएम को जारी किए गए पत्र के मुताबिक राज्यपाल ने सीएम को कहा कि मध्य प्रदेश की हाल की घटनाओं से उन्हें प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उनकी सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और ये सरकार अब अल्पमत में है। राज्यपाल ने ये भी कहा कि ये स्थिति अत्यंत गंभीर है और सीएम कमलनाथ 16 मार्च को सदन में बहुमत साबित करें। मध्य प्रदेश में ये राजनीतिक हालात ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद पैदा हुए हैं। होली के मौके पर सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके समर्थक 22 विधायकों ने भी अपने इस्तीफे दे दिए हैं। सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं और विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अल्पमत में नजर आ रही है। हालांकि विधायकों के इस्तीफों पर अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। 16 मार्च से ही विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, जिसके मद्देनजर राज्यपाल ने भी कमलनाथ को पत्र लिखकर बहुमत साबित करने के लिए कह दिया है। और ऐसे में देखना होगा कि क्या कल फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस सरकार पास हो पाएगी या फिर बीजेपी अपना परचम लहरा देगी। ये तो कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में ही पता लगेगा। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।